की आत्महत्या करते हैं, उसकी आत्मा, ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा हमारे बीच ही रहती है, उसे स्वर्ग नरक में जगह नहीं मिलती, ये जीवन ना ही वो इस जीवन में पूरी तरह से आ पाती है। समस्या क्या है कि उसका पूरा ये जीवन पूरा हुआ नहीं और आगे के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि उस आत्मा का टाइम पीरियड नहीं हुआ, उसकी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई, उसके लिए नेचर की कॉल नहीं आई, परमात्मा की कॉल नहीं आई। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है कि आत्महत्या करने वालों की गति क्या होती है। इसके बारे में आज विस्तार से मैं बात करूंगा। लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, टॉपिक बहुत सीरियस है, इसलिए जरा ध्यान से पूरी बात सुनिएगा, अधूरी बात से कंक्लूजन मत निकालिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। मजेदार हो या ना हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ज्ञानवर्धक है। हिंदू धर्म अनुसार मरने के बाद आत्मा की मुख्य तौर पर तीन गतियां होती हैं, ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। इसका मतलब क्या है? एक आत्मा या तो ऊपर उठती है जिस लेवल पर वो है, जितनी उसके अंदर नॉलेज, ज्ञान, जितना उसका उन्नति का लेवल है, तरक्की का लेवल है, वो या तो उससे ऊपर उठती है ऊर्ध्व गति, या फिर उससे नीचे गिरती है अधोगति, या फिर स्थिर गति, जो जहां थी वो वहीं रहती है। तो इसे गति और अगति में विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ऊर्ध्व गति मतलब गति हो गई उसकी, वो ऊंचा उठ गया, या स्थिर गति को भी गति ही कह दिया जाता है। लेकिन अधोगति का मतलब है अगति, किस व्यक्ति की गति नहीं हुई, ऐसा बोलते हैं। राइट, ये शब्द आपने सुना होगा, किसी के बारे में ऐसा हुआ होगा। तो पहली बात तो ये कि ये आत्महत्या शब्द ही गलत है, लेकिन अब ये प्रचलन में आ गया तो इसीलिए इसके बारे में ऐसी ही बात की जाती है। असल में आत्मा की तो हत्या हो ही नहीं सकती। नैनम छिंदते शस्त्राणि नैनम दहति पावक है, न जन्म क्ले देते आप नैनम शोष्टि मारुत है। भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे, इस आत्मा को काटा मारा, गलाया, जलाया नहीं जा सकता, फिर हत्या किसकी? आत्मा की हत्या तो का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लेकिन हत्या अगर होती है तो शरीर की होती है, इसे स्वाघात कहते हैं, देह हत्या कहते हैं। दूसरों की हत्या करने से ब्रह्म दोष लगता है, लेकिन खुद की हत्या करने से देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध गिना जाता है। जिस देह में आप आए, जिस देह ने आपको स्थान दिया, जिस देह में इस संसार में जीने के लिए आपको 50-60-70 साल दिए गए, उस देह को आपने मेच्योरिटी आने से पहले ही मार डाला, चाहे उसके लिए कोई भी वजह क्यों ना रही हो, कोई भी वजह, आप हजार हजार तरीकों से तरीके तर्क दे सकते हैं, लेकिन आत्महत्या को आप सही नहीं ठहरा सकते। आप किसी भी तरीके से आत्महत्या को सही नहीं ठहरा सकते। तो उसको, इस देह की हत्या करना एक अपराध है, एक अपराध है। हमारे दंड शास्त्र में, हमारे संविधान में भी इसको अपराध के दर्जे में डाला गया है। अगर आप पकड़े गए तो आपको सजा मिलती है आत्महत्या करने के लिए। लेकिन इन जनरल तो परमात्मा की दरगाह में भी इसे अपराध माना जाता है कि इतनी पवित्र देह तुम्हें दी, जो कि इतनी मुश्किल से प्राप्त होती है, उस देह को पाकर भी तुमने इसकी कदर नहीं की, तुम इतने मैच्योर नहीं हुए, तुमने उस परिस्थिति को जाना नहीं और उस चीज को ओवरकम करने का प्रयास नहीं किया। क्या तुम्हारा दुख संसार का सबसे बड़ा दुख था? क्या तुम्हारी पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा थी? क्या तुम उसको ओवरकम कर नहीं सकते थे? क्या तुम्हें ऐसी परिस्थितियां, क्या तुम्हें ऐसे लोग, क्या तुम्हें ऐसे साधन नहीं दिए गए कि तुम इस चीज को ओवरकम कर सकते थे? इस तरह से यूनिवर्स की, परमात्मा की तरफ से सवाल होते हैं। तो आत्मघात करना मतलब अपने शरीर को नष्ट करना किसी भी तरीके से उत्तम नहीं गिना जाता, उत्तम नहीं गिना। हमारे वैदिक ग्रंथों में आत्मघाती मनुष्यों के बारे में कहा गया, असूर्य अनाम तेलो का अंधेन तम सावृता तास्ते प्रत्यानि बगच्छति ये के चाम हतो जना। अर्थात आत्मघाती जो मनुष्य है, मृत्यु के बाद अज्ञान और अंधकार से परिपूर्ण सूर्य के प्रकाश से हीन असूर्य नामक लोक को गमन करते हैं। उस नरक का नाम है अलो असूर्य लोक, मतलब जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता, जहां पर एकदम गहन अंधकार होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये बात सत्य है क्योंकि ऐसा होता है। अब आत्मा जो है ना अधर में लटक जाती है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन किया गया है। आत्महत्या को निंदनीय माना जाता है क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव का ये शरीर मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद मानव का शरीर, इस तरह से बात हमारे शास्त्रों में लिखी होती है। ऐसे में उसे व्यर्थ गवा देना जो है वो अपराध है, वो मूर्खता है, चाहे उसमें कोई भी तर्क क्यों ना दे, कोई भी तर्क दे। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा, ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा हमारे बीच ही रहती है, उससे स्वर्ग नरक में जगह नहीं मिलती, ये जीवन ना ही वो इस जीवन में पूरी तरह से आ पाती है। समस्या क्या है कि उसका पूरा ये जीवन पूरा हुआ नहीं और आगे के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि उस आत्मा का टाइम पीरियड नहीं हुआ, उसकी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई, उसके लिए नेचर की कॉल नहीं आई, परमात्मा की कॉल नहीं आई। तो ऐसे आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उसका जीवन चक्र पूरा नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि उसका जो जीवन होता है आत्महत्या के बाद बड़ा कष्टकारी होता है, बड़ा तकलीफ देह होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की 70 साल की एज लिखी थी और वो 40 साल में आत्महत्या कर लेता है, तो उसके अगले 30 साल तक उसको उसी सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है और बहुत कष्टकारी होता है, बहुत तकलीफ देह होता है।
आखिर वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे जीता है, क्या करता है, किसके अपनी बात करता है, क्या होता है इनका जीवन। बड़ा कष्टकारी जीवन होता है। मैं विशेष रूप से इसकी गहराई में अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं कहूंगा ये टॉपिक बहुत बड़ा है कि प्रेत योनि में लोग क्या, मतलब प्रेत योनि जो होती है उसमें जो होते हैं ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे इनका जो समय होता है कैसे कटता है, ये लोग करते क्या है। तो इसकी एक लंबी चौड़ी थ्योरी है, मैं फिर बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए जीवन बड़ा कष्टकारी होता है, उनको तब तक रहना ही पड़ता है जब तक उनका टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता। तो जीवन के चक्र को समझना जरूरी है। इस बात को समझिए, जैसे एक पूरा पका हुआ फल ही खाने योग्य होता है, जब फल पक जाता है तभी वृक्ष को त्याग कर खुद ही वृक्ष बनने की राह पर निकल पड़ता है। इसीलिए इसी तरह से पूर्ण आयु को जीकर मरा हुआ जो इंसान है वो अच्छे जीवन के लिए निकल पड़ता है। कहते हैं हमारा जीवन के जो चरण है अलग अलग, उन चरणों की प्रक्रिया में एक के बाद होने के बाद ही दूसरा शुरू होता है। सात चरण होते हैं, बच्चा है, टीनेज है, युवा है, जवान है, ग्रस्त है, उसके बाद प्रौढ़ एज में चला जाता है। सात जो चरण है ये पूरे हो जाने चाहिए, ये पूरे होने के बाद ही जो सही क्रम जो है सही डेवलपमेंट होता है। अगर कोई बीच में ही अप्राकृतिक रूप से इसको तोड़ दे तो बहुत कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा मेच्योरिटी का लेवल नहीं आ पाता। इसलिए अगर जिन लोगों की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है तो उनकी आत्मा तो नहीं भटकती और नियम अनुसार उनके जीवन के चरण पूरे हो जाते हैं, और लेकिन जिन लोगों की मृत्यु आत्महत्या के कारण होती है वो चक्र को पूरा ना कर पाने के कारण बहुत अधर में लटक जाते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं क्या आत्महत्या भी हमारी कुंडली में लिखी होती है, क्या ये भी पुराने जीवन के संस्कारों के कारण होता है? द आंसर इज टू सम एक्सटेंट यस, कुछ हद तक कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं पिछले जीवन के संस्कारों के फलस्वरूप जो आपको बहुत मजबूरी के पर लाकर खड़ा कर देती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आत्महत्या करोगे ही करोगे। आपके पास एक चॉइस है, एक फ्री विल है। हाँ, जीवन की सिचुएशन डिफिकल्ट जरूर हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मर जाओ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो जाती है, अब ये आप पर डिपेंड करता है। सिचुएशन वही है, दर्द सबके एक हैं, पर डिसीजन सबके अलग अलग हैं। कोई तो उस दर्द को पाकर निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। क्या आपने दर्द नहीं सहे जीवन में? क्या आपने जीवन में कभी मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं सहा? जरा लिखकर बताइए। मैंने तो बहुत सहा है, मुझे बहुत अच्छे से पता है जीवन के ऐसे ऐसे क्षण बीते हैं जहां मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हुआ है। सच में आत्महत्या का विचार भी कभी जीवन में आया था, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। आपके भी आया होगा कभी ना कभी। डिप्रेशन के उस क्षणों में मन सोच रहे थे यार इसे तो जीवन से तो मर जाना ज्यादा अच्छा, ऐसी स्थितियां आती हैं। लेकिन हम फिर अपने आप को खड़ा कर लेते हैं, फिर अपने आप को समझा लेते हैं, अरे कोई बात नहीं। फिर जैसे तैसे होकर परमात्मा से सहारा मांगते हैं कि ऐसी दुखद स्थिति में कोई बाहर निकाल दे। तो जब बाहर निकल जाते हैं तो अब बात सारी है कि आत्महत्या की जो हम बात लेकर चले हैं, आत्महत्या अकाल मृत्यु की कैटेगरी में आती है। अकाल का मतलब ही होता है असमय, समय से पहले, समय नहीं आया। जब प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा ने प्रकृति ने एक निश्चित आयु मिली हुई है, उससे पहले यदि व्यक्ति की हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या रोग के कारण मर जाता है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। अगर आत्महत्या जो होती है वो सबसे बड़ा कारण है और आत्महत्या करना बहुत बड़ा अपराध माना गया है, निश्चित ही ये परमात्मा का भी अपमान है। जिस परमात्मा ने आपको इंसान का जन्म दिया, व्यक्ति इंसान बनाकर भेजा, उसके जीवन का आपने अपमान कर दिया, उसके गिफ्ट का अपमान किया। तो डेफिनेटली जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उनको उस समय तक तो जरूर भटकना पड़ता है जब तक उनका इस जीवन काल इस धरती पर जो है पूरा नहीं होता, तो डेफिनेटली उनको भटकना पड़ता है। इसलिए बात को समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अत्यंत मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा होता है, तो उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है या वो गहरे तनाव के कारण ऐसा कर रहा होता है। ऐसी आत्मा की मुक्ति जो है वो काफी मुश्किल होती है। मुक्ति का अर्थ है या तो वो नया, मुक्ति का अर्थ ये होता है कि या तो नया शरीर मिल जाए या फिर यहां से वो आगे की गति में चला जाए, मतलब या तो उसका आत्मलोक में चला जाए, उसको नया शरीर मिल जाए या मोक्ष मिल जाए। देखो, मोक्ष तो सबके लिए आसान नहीं है। मोक्ष का अर्थ है जीवन मरण के चक्कर से बाहर हो जाना, वो तो संतों को भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो सामान्य लोगों की तो बात ही नहीं है। अब बात रही कि मुक्ति का मतलब है यहां से तो कम से कम वो गति कर जाए, वो भटके नहीं, प्रेत योनि में ना भटके और उसको नया जीवन मिल जाए या उसको शिवलोक में स्थान मिल जाए, तो बात अलग। तो अब जो भी स्थिति हो उसके लिए जब तक परेशान और अतृप्त आत्मा को नहीं ऊपर भेजा जाता, उनकी मुक्ति नहीं होती, वो भूत प्रेत या पिशाच जैसी योनि धारण करके भटकती है। कम से कम तब तक भटकते जब तक उसके जीवन की इस शरीर की निर्धारित उम्र पूर्ण नहीं होती, और फिर भी उसे या फिर उसे बीच में भी अगर मुक्ति दी जा सकती है, अगर प्रॉपर तरीके से श्राद्ध, तर्पण और धार्मिक कार्य से उसे सहायता दी जाए तो डेफिनेटली उसको मुक्ति दी जा सकती है। तो इसके लिए प्रार्थना का बड़ा महत्व है। और क्या आत्महत्या के बाद भी दूसरा जन्म मिलता है? द आंसर इज यस, डेफिनेटली मिलता है, लेकिन तुरंत नहीं, समय लगता है। आत्महत्या करने के बाद भी व्यक्ति को जल्द ही दूसरा जन्म मिल सकता है यदि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हो और उसकी कोई इच्छा ना हो।
जीवन में अच्छे कर्म किए, कोई डिजायर पेंडिंग नहीं है, लेकिन किसी भी कारण से उसके लिए आत्महत्या करनी पड़ गई, ऐसा व्यक्ति शांतचित होकर भी अगले जीवन की यात्रा पर निकल सकता है, लेकिन उसको भी अपनी देह के रहकर अपने देह का जो टाइम पीरियड है वो उसको यहां पर भुगतना पड़ेगा, हालांकि वो उसके लिए कष्टदायक नहीं होगा। अब लोग बहुत बार लोग बात करते हैं इसी तरह से, क्या ऐसे लोग जो जीवन में शांतचित थे, अच्छे लोग थे, प्यारे लोग थे, लेकिन किसी कारण से मजबूरी में उनको आत्महत्या करनी पड़ गई, तो उन लोगों के साथ क्या होता है? बस जैसे मैंने अभी बताया, ये उन्हीं लोगों की गति की मैं बात कर रहा हूं, उन लोगों को जल्द ही दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन उनको अच्छे कर्म, उनके अच्छे कर्म बहुत शुभ कर्म की हो और उनकी कोई डिजायर पेंडिंग ना हो और उनके निमित्त जो है लोग प्रार्थना करें, तो डेफिनेटली उसको अगला जन्म वो यहां से अगली यात्रा पर निकल सकते हैं, ऐसे लोग निकल सकते हैं। तो ये तो समझ लीजिए कि ये तो सबके लिए जो नियम है वो सबके लिए है। तो मोस्ट जो ये मतलब ये बात समझा दूं कि उसका मतलब मोक्ष नहीं है, अगले जन्म का मतलब मोक्ष नहीं है, वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ है कि आप जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो गए हैं, वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब है कि आत्महत्या का मतलब ही यह है कि ये व्यक्ति अभी मानसिक रूप से मैच्योर नहीं है, इसकी आत्मा को भी मैच्योरिटी नहीं, और मोक्ष जो मिलता है वो मैच्योर आत्माओं को मिलता है। तो आत्महत्या के परिणामों से मुक्ति के लिए कई तरह के उपाय बताए जाते हैं, गुरु पुराण में उपाय बताए गए हैं, उनके हेतु जो है वो तर्पण किया जाए, सदकर्म किए जाए, दान पुण्य करना और गीता का पाठ करना, स्पेशली गीता के 18वें अध्याय का पाठ कहा जाता है कि अगर किया जाए, ये आत्मा के रूप में भी अगर परमात्मा को समर्पित कर दे तो उसकी गति बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी। तो पिंडदान करना, मृत आत्मा की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना, अगर ऐसा कर दिया जाए तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तर्पण करने से, दान करने से इन आत्माओं को तृप्ति मिलती है, तृप्त और संतुष्ट आत्मा ही दूसरा शरीर धारण कर सकती हैं। तो इसीलिए ऐसी आत्माओं की मुक्ति के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। मैं फिर बता दूं, जब आप मेडिटेशन करते हो, नाम का जाप करते हो, या गीता के अध्याय का पाठ करते हो, या कोई भी सत्कर्म करते हो, उसका पुण्य जो है ऐसी आत्माओं को समर्पित करते हो, तो ये आत्माएं मुक्त हो जाती है। चाहे तुरंत नहीं होती, लेकिन इनको काफी सारे पुण्य चाहिए होते हैं, जब ये उस लेवल पर पहुंच जाती है, इनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो ये आत्माएं मुक्ति की राह पर चल पड़ती हैं और फिर जल्द ही मुक्त हो जाती हैं। कितना टाइम लगता है ये मैं एकदम से नहीं कह सकता, लेकिन मुक्त हो जाती है। हमने अनेक आत्माओं को मुक्त होते हुए देखा है, अनेक लोगों ने अपने अनुभव से बताया कि जब वो रेगुलर 21 दिन तक उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो मुक्त होती हुई आत्मा को देखते हैं, जाते हुए उनकी पीठ दिखती है, एक सिंबॉलिक फॉर्म में कि वो जा रहे हैं यहां से, ऐसा होता है। तो आप भी, अगर आपका कोई भी व्यक्ति जिसने आत्महत्या की हो, तो प्लीज उनके लिए प्रार्थना करें और अपने मेडिटेशन करके, सिमरण करके, मेडिटेशन करके, कोई नाम का जाप करके, कोई जप करके उनके समर्पित कर दे। जैसे गायत्री मंत्र की एक माला आपने समर्पित कर दी कि ये इनको समर्पित है, तो उनका कल्याण हो जाता है। धीरे धीरे होता है, मैं एक दिन से नहीं कह रहा, लेकिन आपको ये मानना चाहिए कि कम से कम कोई भी काम 21 दिन जरूर करना, इतनी माला समर्पित करना और प्रार्थना करना कि इनकी गति हो जाए, तो गति हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए। इतने सीरियस टॉपिक पर भी आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए शुक्रिया।